हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट ईवीएस, चैप्टर नंबर ट्वेंटी थ्री होम एंड एब्रॉड घर और विदेश सिंस मॉर्निंग एवरीबडी हैज़ बीन रनिंग अराउंड एट जिल्स हाउस कभी की बात है सुबह की बात है और सभी लोग क्या कर रहे थे एवरीबडी हैज़ बीन रनिंग अराउंड डेट झील्स हाउस जिल के घर के आस पास सभी लोग भाग रहे थे अरविंद अंकल एंड हीज़ फैमिली वेर कमिंग होम आफ्टर फाइव ईयर्स अरविंद अंकल और उनकी जो फैमिली है वो कितने साल के बाद घर वापस आई थी आफ्टर फाइव ईयर्स फाइव ईयर्स एगो अरविंद अंकल गॉट अ जॉब इन अबू धाबी पाँच साल पहले अरविंद अंकल को धाबी में जॉब लगी थी जॉब मिली थी सिंस देन ही हैड लिव्ड देर तब से वो तो वहीं पर रहते थे झील एंड हर फादर वेंट टू द एयरपोर्ट टू रिसीव देम झील और उसके जो पिताजी हैं वो उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट गए थे आफ्टर द प्ल लैंडड द पैसेंजर्स हैड टू वेट फॉर सम टाइम टू कलेक्ट देअर लगेज प्लेन आने के बाद प्लेन को लैंड होने के बाद जो सब पैसेंजर्स होते हैं वो थोड़े टाइम रुकते हैं वेट करते हैं राह देखते हैं उनका जो लगेज होता है वो कलेक्ट करने के लिए वो थोड़े टाइम राह देखते हैं वहाँ पर एट लास्ट अरविंद अंकल नीता आंटी एंड देयर चिल्ड्रन कूड बी सीन कमिंग आउट फिर लास्ट में एट लास्ट आखिरकार अरविंद अंकल नीता आंटी और उनके जो बच्चे हैं वो दिखाई देने लगे हाउ बिग हैंसी एंड पॉल हैव ग्रोन कितने बड़े हो गए हैंसी एंड पॉल फादर सेड फादर ने क्या बोला था कि हैंसी और पॉल कितने बड़े हो गए हैं सुन मैनीस एंड बैग्स वेर लोडेड इन टू द टैक्सी एंड एवरी वन वॉज ऑन द वे टू झील्स हाउस सो मैनी सुटकेस और मतलब कि बहुत सारी सुटकेस और बैग्स को टैक्सी के अंदर रखा और सभी लोग झील के घर की तरफ निकल पड़े हैंसी यू मस्ट बी वेरी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी क्या कहा कि हैंसी तुम इतनी लंबी जर्नी कर कर बहुत ही थक गई होगी फ़ादर टोल्ड मी दैट अबू धाबी इज़ फार फ्रॉम इंडिया सेड झील ने क्या कहा फादर टोल्ड मी कि अबू धाबी है वो बहुत ही इंडिया से दूर है जिल ने हंसी से कहा कि तुम इतनी लंबी झर्नी करके बहुत ही थक गई होगी क्योंकि मुझे पापा ने बताया था कि अबू धाबी अबू धाबी है वो इंडिया से बहुत ही दूर है फार फ्रॉम इंडिया लुकेट इन टू नेक्स्ट पेज वेर आर सॉरी वी आर नॉट टायर्ड उसने क्या कहा कि नहीं हम थके नहीं हैं इवन दो इट इज फार वो दूर होने की वजह से भी हम लोग थके नहीं है अवर फ्लाई टूक ओनली टू आर्स द प्लेन फ्लाई इज वेरी फास्ट सेड हैंसी तो हैंसी ने क्या बताया कि हम लोग नहीं थक गए हैं इतना दूर होने के बावजूद भी हम लोग को थकान महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि फ्लाइट है वो हमें दो घंटे में ही फटाफट यहाँ पर ले आई क्योंकि प्लेन क्या होता है बहुत ही फास्ट उड़ता है जिल वो सरप्राइज जिल को क्या लगा सरप्राइज्ड मतलब कि आश्चर्यचकित हो गया था झील शी रिमेंबर दैट वैन शी हैड ट्रिप टू डेही दे हैड स्पेंड ऑलमोस्ट ट्वेंटी आवर्स इन द ट्रेन तो उसे सरप्राइज़ लगा और उसे उसकी एक बात याद आ गई शी रिमेम्बर दैट वैन शी हैड गोन टू स्कूल ट्रिप जब भी वो स्कूल की ट्रिप पर गए थे डेली तो उन्हें कितने घंटे लगे थे बीस घंटे लगे थे ट्रेन से जब भी उन्होंने डेली जर्नी किया था पिकनिक के टाइम पर तो उन्हें कितना टाइम लगा था बीस घंटे लगा था एंड ऑन द मैप जूनागढ़ एंड डेली इट नीयर और मैप के अंदर जूनागढ़ और जो डेली है वो बाजू बाजू में नज़दीक दिखाई देते हैं झील हैंसी एंड पल चैटेड ऑल द वे टू होम फ्रॉम द एयरपोर्ट तो एयरपोर्ट से जब भी वो लोग घर जा रहे थे तो हैंसी झील और पल ये सारी बातें कर रहे थे झील रिमेंबर्ड हाउ मच फॉन शी हैड ऑन हर स्कूल ट्रिप जिनको अभी भी याद है कि उन्होंने कितना मज़ा किया था जब भी वो लोग स्कूल की ट्रिप पर गए थे शी वॉन्टेड हैंसी टू टेल दैम ऑल अबाउट हर ट्रिप फ्राम अबू धाबी वो क्या चाहती थी कि हैंसी उसको सारी बातें बताए जो उसकी ट्रिप के बारे में है वो सारी बातें उसे बताए ट्रिप फ्रॉम अबू धाबी तो अबू धाबी से लेकर उसकी जो ट्रिप है यहाँ तक आने की वो सारी ट्रिप के बारे में वो उसके साथ बातें करे वैसा झील चाहती थी सैंड ऑल अराउंड मतलब कि जो रेती होती है सैंड होती है वो सभी जगह पर आसपास सभी जगह पर क्या है सैंड ऑल अराउंड यू हैव सीन मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स फ्रॉम द प्लेन इजन्ट ईट जिल जिल ने क्या पूछा कि तुमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग मतलब कि रसप्रद चीज़ें प्लेन से देखी होगी मोस्ट ऑफ द टाइम वी सो ओनली क्लाउड्स बिकॉज द प्लेन वॉज फ्लाइंग सो हाई तो हैंसी ने क्या आंसर दिया कि मोस्ट ऑफ़ टाइम हम लोग क्या देखते हैं सिर्फ क्लाउड्स ही देखते हैं क्योंकि जो प्लेन होता है वो बहुत ही ऊपर उड़ता है इवन हायर देन द क्लाउड सेड हैंसी क्लाउड से भी ज़्यादा ऊपर उड़ता है कभी कभी तो बट बिफोर इट वैन सो हाई वी कूड सी That we were flying over sandy areas, but before it was so high, मतलब कि जबी वो ज़्यादा ऊपर उड़ा, उसके पहले हमने क्या देखा था? So we were flying over sandy areas, कि हम लोग sandy area के ऊपर उड़ रहे थे. It was sand, but the color of sand kept changing white, brown, yellow, red, black. लेकिन जो कलर थे sand के, वो क्या हो रहे थे? Change हो रहे थे. कभी वाइट तो कभी ब्राउन तो कभी येलो तो कभी रेड और कभी कभी ब्लैक भी दिखाई दे रहा था सैंड का कलर कैसा दिखाई दे रहा था तो समटाइम्स समाइम्स ब्राउन येलो, रेड और ब्लैक तो इस तरीके से सैंड का जो कलर है वो अलग अलग दिखाई दे रहा था वी सो माउंटेन्स मेड ओनली ऑफ सेंड कैसे माउंटेन्स देखे थे कि सिर्फ वो माउंटेन्स किससे बने हुए थे सिर्फ सैंड से ही बने हुए थे दे आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स तो उसे क्या कहा जाता है सिर्फ सैंड से ही जो माउंटेन्स बना जा बना जो बना हुआ होता है उसे क्या कहते हैं सैंड ड्यून्स कहते हैं एडेड पॉल आई जिल फिर जिल ने क्या कहा कि आई हैव सीन सैंड ओनली एट द सी शोर उसने जो सैंड है वो कहाँ पर देखी है तो उसने सिर्फ शी शोर मतलब कि जो दरिया किनारा होता है वहीं पर उसने सैंड को देखा है देन यू शुड कम टू विजिट अस सेड अरविंद भाई तो फिर अरविंद भाई ने क्या कहा कि तो फिर ठीक है तुम्हें हमारे यहाँ विजिट करना होगा यू शुड कम टू विजिट अस तुम्हें हमारे यहाँ क्या करना होगा विजिट करना होगा हमारे यहाँ की मुलाकात लेनी होगी द कंट्रीज़ अराउंड अबूधाबी आर लोकेटेड इन ए डेजर्ट एरिया जो अबू धाबी के आजू बाजू का जो कंट्रीज अराउंड अबूधाबी वो कैसा है डेज़र्ट एरिया है जो अबूदाबी कंट्री है उसके आजू बाजू का जो एरिया है वो कैसा है डेजर्ट एरिया है even if one drives a little away from the city, one can see miles and miles of sand. अगर वो सिटी से थोड़ा सा दूर चला जाए तो माइल्स दूर दूर तक क्या दिखाई देती है सिर्फ सैंड ही दिखाई देती है नो ट्रीज नो ग्रीनरी जस्ट सेंड ट्रीज भी नहीं दिखाई देती है हरियाली भी नहीं दिखाई देती है सिर्फ क्या दिखाई देता है सिर्फ सैंड दिखाई देती है आई यूज टू ड्रीम ऑफ द थी ग्रीनरी एंड कूल वाटर अराउंड अवर होम इन गुजरात सेड नीता आंटी क्या है नीता आंटी ने क्या कहा था आई यूज टू ड्रीम ऑफ थी ग्रीनरी एंड कूल वाटर अराउंड अवर होम इन गुजरात तो नीता आंटी की क्या विश है क्या सपना है उनका कि जो उनका घर हो गुजरात में उसके आसपास ग्रीनरी हो और ठंडा पानी हो एंड कूल वाटर अराउंड अवर होम इन गुजरात आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दिस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम तो ये सब देख कर इतने सारे टाइम के बाद ये सब कुछ देख कर नीता आंटी बहुत ही खुश थे आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दिस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम द चिल्ड्रन हैव अल्मोस्ट फॉर फॉर गटन हाव दे फील वैन इट रेन्स तो बच्चे ये भी भूल गए थे कि जब भी बारिश होती है तो कैसा महसूस होता है ये भी बच्चे भूल गए थे यू नो इट ऑलमोस्ट नेवर रेन इन द डेजर्ट एरिया डेजर्ट एरिया में ऑलमोस्ट ना के बराबर ही बारिश होती है वाटर इज़ रियली वेरी प्रीशियस ओवर देर वहाँ पर पानी बहुत ही कीमती होता है नो रेन नो रिवर नो लेक्स नो पॉइंट्स वहाँ पर रेन भी नहीं होती है रिवर मतलब कि नदी भी नहीं होती है और तालाब भी नहीं होते हैं। इवन बिलो इवन बिलो द ग्राउंड देर इज नो वाटर और ग्राउंड के नीचे भी पानी नहीं होता है बट देर इज लॉट ऑफ ऑइल अंडर द सेंडी सॉइल लेकिन सेंडी सॉइल के नीचे क्या होता है बहुत सारा ऑयल होता है लॉट ऑफ ऑइल अंडर द सेंडी सॉइल सो पेट्रोल इज ईजीली अवेलेबल इन दिस कंट्री एडेड पल फिर पल ने क्या कहा कि इस वजह से पेट्रोल वहाँ पर इजीली अवेलेबल मतलब कि इजीली वहाँ पर मिलता है इन फैक्ट पेट्रोल इज चीपर देन वाटर जो पेट्रोल है वो वाटर से कैसा है सस्ता है पानी से ज़्यादा महंगा क्या है वहाँ सॉरी uh, पेट्रोल से ज़्यादा महंगा क्या है वहाँ पर पानी है पानी से पानी वहाँ पर बहुत ही महंगा मिलता है इन फैक्ट पेट्रोल इज़ चीपर देन वाटर जो पेट्रोल है वो पानी से सस्ता है सेड अरविंद अंकल अरविंद अंकल ने क्या कहा था कि जो पेट्रोल है वो क्या है पानी से सस्ता है बाय दिस टाइम ऑल रिच झील्स हाउस और उसी समय के सभी लोग झील के घर पर पहुंच गए हैंसी एंड पॉल वेर सरप्राइज टू सी सो मैनी फ्रूट ट्रीज और हैंसी और जो पल है वो बहुत सारे फ्रूट के ट्रीज देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे सरप्राइज हो गए थे कोकोनट बनानास जैक फ्रूट पपाया बीटल नट तो सो मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज तो वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ट्रीज थे लाइक कोकोनट बनाना जैक फ्रूट पपाया और बिटलनट इस तरीके से बहुत ही अलग अलग प्रकार के वहाँ पर ट्रीज उसे देखने मिले पल सेड वी यूज टू सी ओनली वन काइंड ऑफ ट्री देर द डेट पार्प्स बिकॉज इट इज़ द ओनली वन देट कैन बी ग्रो इन द डेजर्ट पल ने क्या कहा कि हमने सिर्फ एक ही प्रकार का ट्री देखा है और वो कौन सा ट्री है डेट पाम का ट्री है क्योंकि डेजर्ट एरिया में सिर्फ ये एक ही प्रकार का जो ट्री है वो ग्रो होता है तो उस उन्होंने सिर्फ एक ही ट्री देखा था सो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा सो वी विल सी नेक्स्ट बट इन नेक्स्ट वीडियो ओके स्टूडेंट Thank you. Bye bye.